स्ट्रांग किया, क्या नेशनल कॉन्फ्रेंस ने किया, क्या आर्टिकल 370 को जब तोड़ने की जब वहां पर एप्लीकेशन डाली गई सुप्रीम कोर्ट में, क्या पीडीपी की सरकार नहीं थी? तब हक खान क्या सो रहा था, नींद कर रहा था? तब गवर्नमेंट को आज याद आ रहा है महबूबा मुफ्ती को कि इलेक्शन का टाइम आया? ये इलेक्शन के नाम पे कुछ भी करेंगे ये लोग, इलेक्शन के नाम पे झूठ क्या ये किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार है? फ्री एंड फेयर इलेक्शन की बात आप करते हो, आप वो काम गिनिए जो आपने किए, और जिन पर आपने काम नहीं किया तो वो गिनने का क्या मतलब? आज उमर अब्दुल्ला ऑटोनॉमी की बात कर रहा है, 96 में कहां गई ऑटोनॉमी? उस वक्त रद्दी की टोकरी में कैसे पहुंची? और 53 पोजीशन क्या 370 ये बात कर रहे हैं, 53 पोजीशन दिलाएंगे? जम्मू कश्मीर सदर रियासत किसने हटाया? शेख अब्दुल्ला ने नहीं हटाया क्या? सदर रियासत किसने हटाया था जम्मू कश्मीर से? वो तो शेख अब्दुल्ला, इनकी पार्टी ने हटाया था। तो झूठ की एक इंतहा होती है। जम्मू कश्मीर में झूठ का बाजार चल रहा है इस वक्त, झूठ पे झूठ, और हम लोग बेवकूफ सुन रहे हैं इनकी बातें, इनका झूठ सुन रहे हैं हम लोग। लेकिन बाहर के इलेक्शन में और यहां के इलेक्शन में क्या फर्क है? यहां पर झूठ गिना जाता है। बाहर जो हमारे स्टेट्स के बाहर जो इलेक्शन है, जो मध्य प्रदेश में है, जो तमिलनाडु में है, वहां ये गिना जाता है फ्लाईओवर कितने बने, रोड्स कितने बने, डेवलपमेंट हमारी पार्टी ने कितना किया। तो अभी जो मैंने हम लोग बार बार कह रहे हैं कि भाई थर्ड फ्रंट को आने दीजिए, थर्ड फ्रंट की हम तैयारी कर रहे हैं, लोग भी पक गए हैं इनका झूठ सुन सुन के। ये आज की बात थोड़ी है, अभी एमपी बने दीजिए, फिर देख इतनी एरोगेंस महबूबा मुफ्ती की। जब ये चीफ मिनिस्टर थी किसी से बात करती थी ये क्या? तो अब लोगों के गर्व में जाना, बाकी सब ये चीजें करना, ये इनके ड्रामा, ये फितरत है। तो इस फितरत को हम थोड़ी चेंज कर सकते। कमेटी खत्म किया, 5 साल उनकी सरकार थी, खत्म हो गया क्या? 370 टूटा क्या? 370 हम लोग बार बार कह रहे हैं कि 370 टूटता है तो इंडिया के साथ फिर रिश्ता ही क्या है? फिर तो ऑटोमेटिकली तो अलग हो गया ना। तो ये मजबूरी है उनकी, ये सामान है इलेक्शन में भेजने का। और दूसरी तरफ से क्या नरेंद्र मोदी ने कहा अपने वहां पर राजस्थान के जलसे में, वी विल सपोर्ट। तो पार्टी के दो बयान आ रहे हैं। तो ये इलेक्शन के वो ड्रामा है, इसको बस वहीं तक ले लीजिए, जुमलू तक समझ लीजिए, जुमलू से बाहर समझने का कोई मतलब नहीं।